Assalamu alaikum guys, I am Omar Sanawar and from today we are going to start PHP and two things are very important in this session. First one is that ke aapne full concentration and full attention ke saath ye jo lectures honge wo aapne lene hain because ye jo session hai ye thoda sa tricky base hoga and logic base hai to aapne full concentration ke saath ye jo lecture hai wo aapne lene hain. तो दूसरी चीज़ ये कि जो टास्क जो मैं हर लेक्चर के बाद आपको दूंगा तो वो उसको अपने हर सूरत उसको इम्प्लीमेंट करना है. अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपको लेक्चर्स की और जो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो मैं लेक्चर के बाद लेक्चर में जो समझाऊंगा वो आपको समझ नहीं आने. तो आपने एटलीस्ट उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर कर लें चाहे मुझे सबमिट ना करवाएं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है. तो ये जो टास्क है वो आपने जीमेल क्लासरूम पे सबमिट करवाना है एंड उसकी जो डिटेल्स होंगी वो उसको किस तरह ज्वाइन करना है एंड वहाँ पे किस तरह सबमिट करवाना है तो वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा कि वो किस तरह उसको ज्वाइन करना है. तो लेक्चर को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं जो मैंने आज डिस्कस करना है. तो सबसे पहले जो है वो मैं बैकएंड डिस्कस करूँगा, उसके बाद पीएचपी क्या होता है एंड हम लोग ये यूज़ क्यों कर रहे हैं एंड सर्वर के बारे में डिस्कस करूँगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि बैकएंड क्या होता है. बैकएंड जो है वो हमारी जितने भी वेबसाइट की जो लॉजिक्स होती हैं, बिजनेस लॉजिक्स तो एंड फंक्शनैलिटीज़ जो होती हैं वेबसाइट की, वो हम बैकएंड पे हैंडल करते हैं. बैकएंड आपको नेम से ही पता चल रहा है, बैक एंड मतलब बिहाइंड द सीन. बिहाइंड द सीन कैसे कि जो फ्रंट एंड है वो तो हमने जो यूज़र है वो इंटरेक्ट डायरेक्टली करेगा, फ्रंट एंड के साथ इंटरेक्ट करेगा एंड जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बिहाइंड द सीन हो रही, हमें नहीं पता. जैसे कि लेट्स से कि मैं आपको एक कैलकुलेटर की एग्जांपल दे देता हूँ. कैलकुलेटर जो है आप ओपन करते हैं, आप कोई भी मतलब के कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, आप जस्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि बैक एंड पे क्या हो रहा है. लेट्स से कि आपके पास कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, 30 प्लस 30 तो ये क्या हो गया, वो 60 तो ये एडिशन हो रही, तो आपको नहीं पता कि ये एडिशन कैसे हुई है. तो ये जो हैंडलिंग हो रही है ये बैक एंड पे हो रही है. तो ये जितनी भी वेबसाइट की लॉजिक्स होती हैं वो बैकएंड पे हैंडल हो रही होती हैं. ठीक हो गया, लॉजिक्स क्या होती हैं. लेट्स से कि यही कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास तीन नंबर्स हैं एंड यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ दीज नंबर. सो क्या करते हैं कि आप उसकी एक लॉजिक बिल्ड करते हैं. कैसे कि आपके पास तीन नंबर हैं, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन एंड थर्ड वन. ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करना है. सबसे पहले इन तीनों को ऐड करना एंड देन डिवाइडेड बाय थ्री बिकॉज दीज आर थ्री नंबर. सो दिस इज़ अ लॉजिक. सबसे पहले इसको एडिशन करना एंड देन डिवाइडेड बाय थ्री, तो ये आपकी एवरेज कैलकुलेट होगी. ये लॉजिक है, इसको एडिशन करना एंड डिवाइड करना, तो ये लॉजिक है. इसी तरह जितनी भी लॉजिक्स होती हैं, कोई भी वेबसाइट की लॉजिक्स होती हैं, तो वो जो लॉजिक्स हैं वो बैकएंड पे हैंडल हो रही होती हैं. एंड दूसरी चीज़ ये कि डेटा एक्सेस लेयर. डेटा एक्सेस लेयर कैसे, आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कोई भी अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, फेसबुक या कोई भी मतलब कोई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्या चीज़ एंटर करते हैं, नेम, फ़ोन एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर फलां फलां. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो डेटा आप जब सबमिट पे क्लिक करते हैं तो जो डेटा है वो बैकएंड पे जाएगा एंड देन मूव टू डेटाबेस बिकॉज यू वांट टू सेव दिस डेटा इन डेटाबेस. सो ये जो डेटा है ये डेटाबेस में स्टोर होगा. तो ये जो हैंडलिंग हो रही है डेटा की, मतलब के फ्रंट एंड से बैकएंड में जाएगा एंड बैकएंड से फिर डेटाबेस में जाएगा, तो ये जो हैंडलिंग है ये बैकएंड ने संभालनी है. ठीक हो गया, जो कोड होगा हमारा बैकएंड में जो लॉजिक्स को हैंडल कर रहा होगा वो कोड, तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं जैसे कि पीएचपी है, सी शार्प है, रूबी है, पाइथन है और बाकी भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं. तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये टेक्नोलॉजीज जो हैं, ये बैकएंड को लिखने के लिए यूज़ करते हैं. तो इसमें इस डेवलपमेंट में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो पीएचपी यूज़ करेंगे एंड दूसरी भी लैंग्वेजेस हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये पीएचपी यूज़ करें. इसके रीज़न भी बताऊंगा कि वो हम ये क्यों यूज़ करें. तो जो बैकएंड है इसके तीन पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले सर्वर, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस. सर्वर के बारे में वो एंड पे बताऊंगा एंड एप्लीकेशन जो है वो आपकी जो एप्लीकेशन है जो आप रन कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं वो आपकी एप्लीकेशन होती है एंड डेटाबेस जहाँ पे हमारा जो डाटा स्टोर हो रहा है वो हमारा डेटाबेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है. ठीक हो गया, तो ये चीज़ क्लियर होगी. जो बैकएंड है वो हमारी जो जितनी भी लॉजिक्स होती हैं वेबसाइट की वो हैंडल कर रहा होता है, इसको हम बैकएंड कहते हैं.
तो आगे मूव करते हैं कि पीएचपी, पीएचपी क्या होता है वो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। एंड पीएचपी जो है वो पीएचपी इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जो फ्रंट एंड है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड, एंड जो बैक एंड है उसको बोलते हैं सर्वर साइड। तो ये जो है पीएचपी, दिस इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये एज अ हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो बाकी भी लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, रूबी है, पाइथन है, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। एंड दूसरी चीज़ ये है कि ये पीएचपी जो है ओपन सोर्स है, जितने भी इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं हम इस पर हैंडल कर रहे होते हैं पीएचपी के साथ ना, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स के आप कोई भी एल्गोरिदम है, लॉजिक है, फंक्शन है, इनपुट आउटपुट जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, तो पीएचपी इज़ आल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो थर्ड थिंग इज़ दैट के मैनेज डायनामिक कंटेंट। डायनामिक कंटेंट क्या होता है कि स्टैटिक का तो पता होगा, स्टैटिक कंटेंट क्या होता है जो वर्डप्रेस पे होते हैं, तो पीएचपी में हमने डायनामिक कंटेंट मैनेज कर रहे होते हैं। डायनामिक कंटेंट किस तरह मैनेज कर रहे होते हैं कि आप डाटा एंटर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये ऑन द रन टाइम चेंज हो रहा है डाटा। मतलब कि आप एडिट कर रहे हैं तो ये ऑन द रन टाइम चेंज भी हो रहा है। तो वर्डप्रेस जो स्टैटिक वेबसाइट होती हैं वो चेंज नहीं होता डाटा, वो हमने बैकएंड पे डाटा स्टोर मतलब कंटेंट लिख देते हैं एंड उसको हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक हो गया, वो स्टैटिक है, वो ऑन द रन टाइम चेंज नहीं होता। तो ये डिफरेंस होता है, ऑन द रन टाइम ये जो डाटा है ये चेंज नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो स्टैटिक होती हैं वर्डप्रेस। एंड पीएचपी जितनी वेबसाइट होती हैं पीएचपी बेस एंड ये जो प्रोग्रामिंग बेस वेबसाइट होती हैं तो वो जो है वो डायनेमिक कंटेंट बेस होती हैं, तो ये जो डाटा है ये ऑन द रन टाइम चेंज हो रहा है। तो अगली चीज़ जो है वो फाइल हैंडलिंग है। तो फाइल हैंडलिंग जो है वो किस तरह है कि आप कोई भी अगर डाटा हो तो वो फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, तो इसमें हम फाइल हैंडल भी कर सकते हैं, मतलब फाइल में डाटा स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगली चीज़ नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास डेटाबेस है, क्योंकि अगर जो डाटा है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाना है, तो वो हम एक तो बैकएंड उसके लिए डेटाबेस और यूज़ करेंगे। तो इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ पे हम लोग डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि MySQL है और PostgreSQL है, Oracle है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं ये डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है वो हम पीएचपी में यूज़ कर सकते हैं, तो हमने जो यूज़ करना है वो MySQL यूज़ करेंगे, बिकॉज ये ज़्यादा इजी टू यूज़ है, तो हम पीएचपी में ये यूज़ करेंगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि पीएचपी क्या होता है, तो आगे मूव करते हैं। तो पीएचपी में जो कोड है वो जैसा कि आपने फ्रंट एंड में देखा था कि जो HTML जो फ्रंट एंड का कोड था वो .html फाइल में स्टोर करते हैं, तो सेम एज दैट जो बैक एंड का कोड होगा वो लेट्स से कि अगर हम PHP यूज़ कर रहे हैं तो वो .php की फाइल्स होंगी, तो उसमें जो है वो बैक एंड का कोड होगा। तो अगर आप C# यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो कोड है वो .cs उसकी एक्सटेंशन नेम होती है, तो उसमें सिर्फ C# का कोड होता है। लेकिन जो PHP कोड फाइल्स होती हैं तो उसमें हम HTML, CSS, JavaScript जो है कोड उसका HTML का कोड, CSS का कोड, JavaScript का कोड एंड PHP का जो अपना कोड होगा वो भी PHP फाइल के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जैसे C# है, CS.cs फाइल्स होती हैं, CPP फाइल, C++ फाइल जो होती हैं वहाँ पे हम सिर्फ उसी का कोड लिखते हैं। तो PHP की जो फाइल्स हैं हम HTML, CSS, JavaScript और ये कंटेंट भी हो सकता है इसमें इस फाइल के अंदर तो हम लिख सकते हैं। लेकिन ये है कि जो फाइल है HTML का कोड जो है वो टैग्स में
उसको स्पेसिफाई करती हैं सीएसएस जो है वो इनलाइन इंटरनल जो स्टाइलिंग है वो जैसे करते हैं वैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट की एक टैग है, तो उसमें हम जो है वो हैंडल कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड। तो हर जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके जो कोड है वो एक आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी, ये मिक्सअप नहीं होता लेकिन एम्बेडेड ज़रूर होता है। जो पीएचपी का कोड है वो एचटीएमएल में एम्बेडेड होते हैं, ठीक हो गया। तो आखिरी चीज़ जो है पीएचपी में वो मैंने डिस्कस करनी है, एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। सबसे पहले मैं सर्वर बताता हूँ कि सर्वर क्या होता है। लेट्स से कि आप एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो आप अपने पीसी पे अपने लैपटॉप पे एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो किसी दूसरे कंट्री में या किसी दूसरी लोकेशन पे रन हो, तो आप ये तो नहीं ना कर सकते कि आपने इस लैपटॉप पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या चला रहे हैं, सॉरी जो आप एप्लीकेशन जो है वो चला रहे हैं सिस्टम पे, तो वो इस सिस्टम को उस लोकेशन पे नहीं लेके जा सकते। आप जस्ट क्या करते हैं कि किसी भी दूसरी लोकेशन पे उस जो है एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आप एक प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हैं, तो आप किसी भी लोकेशन पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सर्वर यूज़ करते हैं। सर्वर इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर आप जहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को लाइव करते हैं। आप किसी भी लोकेशन पे अगर आप दूसरी कंट्री में बैठे हुए हैं तो वहाँ पे भी जाके आप सेम वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम सर्वर यूज़ करते हैं। जो बैकएंड कोड है, जो बैकएंड जो है वो टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको रन करने के लिए सर्वर यूज़ करते हैं। तो सर्वर इसके लिए ये जो कोड है सिर्फ सर्वर पे रन हो सकता है, तो बिकॉज के जो बैकएंड कोड है वो जो ब्राउज़र है उसको आइडेंटिफाई उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो जैसे कि हम फ्रंट एंड में क्या करते हैं कि एचटीएमएल कोड है उसको डायरेक्टली अपन खुद ही मतलब उसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं, तो वो इंटरप्रेट होकर वो शो रहते हैं कि, तो सेम जो पीएचपी का कोड है वो ब्राउज़र उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। तो उसको ट्रांसलेट उसको रन करने के लिए हम सर्वर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट सर्वर्स हैं, तो उसमें जैसा कि ज़ैम्प है, लैम्प है, वैम्प है, इजी पीएचपी है, तो ये कुछ सर्वर्स हैं वो हम यूज़ करेंगे उसको पीएचपी का जो कोड है उसको रन करने के लिए हम ये सर्वर यूज़ करेंगे। तो इसमें सिर्फ हम ज़ैम्प यूज़ करेंगे बिकॉज ये इजी टू हैंडल है, तो हम सिर्फ ज़ैम्प ही यूज़ करेंगे, बाकी भी यूज़ कर सकते हैं, इजी पीएचपी है। लैम्प जो है वो बहुत अच्छा सर्वर है, तो हम ज़ैम्प यूज़ करेंगे। तो इसकी एक्सटेंशन नेम जो है वो .php होती है, जैसे कि HTML में फ्रंट एंड में HTML में .html है, C# में क्या है कि .cs है, C++ में .cpp है, तो सेम PHP के लिए हम .php यूज़ करते हैं एक्सटेंशन नेम। नेक्स्ट थिंग जो है वो हम देखते हैं कि PHP क्यों यूज़ करते हैं, बाकी भी तो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो PHP जो है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, अगर आप ये लर्न कर लेते हैं, अगर ये आप सीख लेते हैं तो दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो उस पर मूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अगर आप अच्छे से कर लेते हैं PHP में तो वहाँ पे मूव करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो हम लोग इसलिए ये स्टार्ट कर रहे थे कि ये इजी लैंग्वेज है तो हम इजीली कवर कर सकते हैं। तो आपने ये लेक्चर जो हैं PHP के आपने हर सूरत इसको अंडरस्टैंड करना है। तो दूसरी रीज़न ये है कि जो इसका कोड है वो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसका जो कोड है मतलब जो PHP का कोड है वो उसको हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो PHP इसका मैं स्कोप बता देता हूँ कि पाकिस्तान में 70% जो वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो जो है वो PHP पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आप अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म फाइवर प्लेटफॉर्म पे जाएं तो इसके बहुत हैवी एंड बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। तो हमारा मकसद जो है वो यही था कि आप लोग ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके आप वहाँ पे
अर्न कर सकते हैं फाइवर एंड फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क भी है वहाँ पे भी आप अर्न कर सकते हैं। तो ये पीएचपी हम जो है वो आपने हर सूरत इसे लेक्चर्स जो हैं वो आपने लेने हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, हमने सब ये जो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई होप सो कि आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो आप इस लेक्चर को गौर से सुने, एंड अगर फिर भी कोई मुश्किल आती है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो जो है नेक्स्ट लेक्चर से हमारी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, एंड तब तक आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना है एंड इंटरेस्ट बिल्ड करके आना, क्योंकि ये जो बैकएंड है एंड जो डेवलपमेंट है ये विदाउट इंटरेस्ट के आपको चीज़ें नहीं आनी। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में तो यू कॉन्ट डू दिस। सो आपने इसमें इंटरेस्ट बिल्ड करना है, ठीक हो गया। ये अगर आपने डेवलपमेंट फुल सीखनी है तो वो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, तो इंशाल्लाह ये जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो ये ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, तो आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।